नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राकेश सिंह भदौरिया। दोस्तों, भारत में कोविड-19 के कारण स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी घर घर जाकर चेक कर रहे हैं कि कौन कोरोना वायरस से संक्रमित है और कौन नहीं, परंतु कई जगह उन पर अटैक्स हो रहे हैं, जिसके कारण जो व्यक्ति अटैक कर रहे हैं उन पर, जो अपराधी हैं, उनके विरुद्ध राशुका लगाई जा रही है। ये राशुका शब्द कई बार हमको सुनने में आया है। राशुका होता क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब और किस पर लगाया जाता है, जानेंगे हमारे इस वीडियो में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून राशुका 23 सितंबर 1980 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया था। यह कानून राज्य को और केंद्र सरकार को शक्तियां प्रदान करता है कि जो व्यक्ति भारत के सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए और उन्हें बिना किसी आरोप के, ये अप्रिहेंशन होने पर, ये लगने पर कि सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं, 12 महीने तक की जेल हो सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और क्या है इसके प्रावधान। यह अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, विदेश के साथ भारत के संबंधों को चोट पहुंचाने, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या आपूर्ति को बाधित करने, ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिसकर्मी पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। NSA रासुका के तहत संबंधित अधिकारी को यह पावर है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए 5 दिनों पर कैद पर रख सकता है, जबकि विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 10 दिन तक की हो सकती है। इसके बाद संबंधित अधिकारी को राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। NSA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति सरकार द्वारा गठित किसी सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की सहायता प्राप्त करने का हक नहीं है। यह कानून सरकार को किसी विदेशी व्यक्ति को उसकी गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए गिरफ्तार करने या देश से बाहर निकालने की शक्ति भी देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA में यह प्रावधान है कि सरकार किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है, लेकिन सरकार द्वारा नए सबूत मिलने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। गिरफ्तारी के आदेश जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत जारी कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ही किसी व्यक्ति को जिला बदल कर उसे जिले से बाहर किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो कैसा है, और आप कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स को भी लिख सकते हैं जिन पर हम आगे वीडियो बनाएंगे और विचार करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को।